गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। आज हम अपने इस वीडियो की सहायता से यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्यों उन्हें मित्र और क्यों उन्हें शत्रु कहा जाता है। चलो तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव की परिभाषा को ही नोट कर लेते हैं। क्या होती है सूक्ष्म जीव की परिभाषा? वे जीव जो हमें सामान्य वे जीव जो हमें सामान्य या नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो हमने सूक्ष्म जीव की परिभाषा किस प्रकार से नोट की? वे जीव जो हमें सामान्य या नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं तो उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जब वो हमें सामान्य या नग्न आँखों से दिखाई देते ही नहीं हैं तो हम किस प्रकार बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, उनकी संरचना इस प्रकार की होती है, इस प्रकार के से वो रोग फैलाते हैं, इस प्रकार से वो लाभदायक होते हैं। किसी ना किसी यंत्र की सहायता से तो उन्हें हम देख सकते हैं। तो जिस यंत्र की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं उस यंत्र को हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। चलो ये भी हम नोट कर लेते हैं। वे जीव जो हमें सामान्य या नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं तो उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। आगे लिखते हैं भाई, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं, किस प्रकार से वो नजर आते हैं। आप सूक्ष्म जीव होते कौन कौन से हैं, चलो उसके उदाहरण भी तो हमें मालूम होने चाहिए। तो उदाहरण लिखते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि सभी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। वे जीव जो हमें सामान्य या नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं तो उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि। इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह यंत्र सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहलाता है। ये तो आज हमने सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा की जानकारी प्राप्त की। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के लक्षणों के बारे में कि सूक्ष्म जीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। अगला टॉपिक डालते हैं, सूक्ष्म जीवों के लक्षण। सूक्ष्म जीवों के लक्षण
किस प्रकार से होते हैं, हम भी चलो उसे नोट करते हैं। नंबर एक, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव प्रकृति में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये मिट्टी, भोजन, जल, तालाब, झरनों, झीलों आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं जो कि मिट्टी, वायु, जल, भोजन, तालाब, झरनों आदि प्रकृति में सभी जगहों पर उपस्थित होते हैं। तो हमने सूक्ष्म जीव का पहला लक्षण क्या जाना कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं जो कि मिट्टी, वायु, जल, भोजन, तालाब, झरनों आदि प्रकृति में सभी जगहों पर उपस्थित होते हैं। ये तो हो गया उसका पहला लक्षण। आप लिखते हैं नंबर दो, दूसरा लक्षण क्या होगा इसका? सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिका मतलब क्या होता है? वे सभी जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है तो उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव होने के कारण ही तो ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं। तो दूसरा लक्षण हमारा क्या हो गया? सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं क्योंकि इनका शरीर एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है, इस कारण ये हमें नज़र नहीं आते हैं। अब तीसरा लक्षण क्या लगते हैं इसका? तीसरा, सूक्ष्म जीव लाभदायक एवं हानिकारक दोनों रूपों में पाए जाते हैं। तीसरा लक्षण हमने क्या लिखा कि सूक्ष्म जीव लाभदायक एवं हानिकारक दोनों रूपों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, वो हमारे लिए निम्न गुणों युक्त होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक का मतलब होता है कुछ सूक्ष्म जीव हमें रोगग्रस्त भी कर सकते हैं, इस कारण उन्हें हानिकारक भी कहते हैं। तो चलो जल्दी से नोट कर लो, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं जो कि मिट्टी, वायु, जल, भोजन, तालाब आदि प्रकृति में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं क्योंकि उनका शरीर एक कोशिकीय रूप में बना होता है, इस कारण वो हमें नज़र नहीं आते। तीसरा, सूक्ष्म जीव लाभदायक एवं हानिकारक दोनों रूपों में पाए जाते हैं क्योंकि कुछ कार्यों में तो वो लाभ के रूप में लाभदायक कार्य और कुछ रूप में वो हानिकारक कार्यों को संपादित करते हैं। तो आज हमने क्या जाना? हमने जाना कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण में किन किन को रखा गया है, इस चैप्टर में हम कौन कौन से सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, चलो तो वो भी अब नोट कर लेते हैं।
टॉपिक है अपना सूक्ष्म जीवों की श्रेणी, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी। सूक्ष्म जीव श्रेणी, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में हमने चार सूक्ष्म जीवों को रखा है। कौन कौन से रखा है? नंबर एक जीवाणु, नंबर दो विषाणु, नंबर तीन कवक और नंबर चार प्रोटोजोआ। हमने सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में चार सूक्ष्म जीवों को रखा है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में निम्न सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। कौन कौन से? जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। आज हमने अपनी इस वीडियो में सूक्ष्म जीव की परिभाषा, सूक्ष्म जीवों के लक्षण, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी आदि के बारे में अध्ययन किया। कल हम अपनी आने वाली वीडियो में सूक्ष्म जीव लाभदायक, सूक्ष्म जीव हानिकारक क्यों होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे नोट्स भी बनाए होंगे। अब आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।